तुला राशि, तुला राशि के लिए जो मीन का चंद्र है वो छठा चंद्र है। छठा चंद्र रोग एवं शत्रु पर विजय देने वाला है। मोसाल पक्ष से आपको कोई शुभ संदेश मिल सकता है, या तो कोई प्रदेश संबंध है, एब्रोड रिलेशन है, तो एब्रोड रिलेशन से भी आपको कोई शुभ संदेश मिल सकता है। दिन आपके लिए शुभ है। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के लिए जो मीन का चंद्र है वो पंचम भाव का चंद्र है। संतान के लिए मन में विचार ज़्यादा रहेगा। शेयर बाजार का जो काम कर रहे हैं उनको शेयर बाजार में थोड़ा सा लाभ मिल सकता है। मित्रों से लाभ मिल सकता है। दिन आपके लिए शुभ है। धनु राशि है और धनु राशि के लिए जो मीन का चंद्र है वो चतुर्थ स्थान का चंद्र है, तो आज प्रॉपर्टी के लिए आपके मन में विचार ज़्यादा रहेगा। स्थावर संपत्ति के लिए विचार रहेगा। जो कोई भी हार्ट का पेशेंट है तो उसको थोड़ा केयर करना है। और कर्मस्थान में चंद्र की दृष्टि होने के कारण आपका बिजनेस में भी ध्यान लगा रहेगा। दिन आपके लिए शुभ है। मकर राशि के लिए जो मीन का चंद्र है वो पराक्रम स्थान का चंद्र है, तो साहस में सफलता बढ़ेगी। साहस करने का विचार मन में आएगा। ब्रदर सिस्टर के रिलेशन के लिए आप केयर करेंगे। भाग्य स्थान में चंद्र की दृष्टि होने के कारण आपको छोटी सी यात्रा भी हो सकती है, और यात्रा से आपको भाग्य में वृद्धि भी हो सकती है। दिन आपके लिए शुभ है। कुंभ राशि के लिए आज दूसरा चंद्रमा है, और दूसरा चंद्र जो है वो धन संपत्ति में वृद्धि करने वाला है, और फैमिली एंड फाइनेंस का जो सुख है आपको बढ़ने वाला है। अनजाने पानी में ना उतरे। दिन आपके लिए शुभ है। मीन राशि को चंद्र, ऊपर से चंद्र का भ्रमण है जो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है। पत्नी के लिए मन में विचार ज़्यादा रहेगा। गुरु और चंद्र का जो योग बन रहा है आपकी जन्म के गुरु और चंद्र के ऊपर से, जिसके कारण आप कोई नया बड़ा काम करने का सोच रहे हो तो उसके बारे में जो आप प्लानिंग करेंगे वो आपकी सक्सेस रहेगी। दिन आपके लिए शुभ है। फ्रेंड्स, गणेश जी, हनुमान जी और मंगल देव आपको हर कार्य में सहाय करें, ऐसी हमारी हार्दिक शुभकामनाएं हैं। नमस्कार फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रॉम एस्ट्रोलॉजर नरेश खत्री।